सिरसा के नेहरू पार्क में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। यूं तो यहां पर बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे, परंतु महिला मोर्चा कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दिया, क्योंकि महिलाओं की तरफ आगे की कुर्सियां भी खाली पड़ी रहीं। मुख्यमंत्री ने जहां पर प्रदीप रातुसरिया के पक्ष में वोट मांगे, वहीं पर मुख्यमंत्री ने कालांवाली से उनके पुराने साथी रहे देसु जोधा के बारे में बोलते हुए कहा कि हमें पहले ही पता लग गया था वो नशे के कारोबार में लिप्त हैं, और उसका सबूत दो दिन पहले मिल गया, उनके गांव में गोलियां चली। गोकुल सेतिया के बारे में बोलते हुए मनोहर लाल ने कहा कि वह अभी 30 साल का बच्चा है, उसको बहुत जल्दी हो गई है कि वह विधायक बने। हमने उनके माँ बाप से बात की, लेकिन उनका कहना है कि वो हमारी ही नहीं मानता। ये कैसा बच्चा है जो अपने माँ बाप की नहीं मानता। सिरसा से ही एक और प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के बारे में बोलते हुए मनोहर लाल ने कहा कि जो पहले जेल मंत्री थे वो बाद में खुद ही जेल में चले गए, सिरसा की जनता कभी भी ऐसे व्यक्ति को आगे नहीं आने देगी। प्रदीप रातुसरिया ने भी अपने लिए मंच से वोट की अपील की, तो वहीं सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि मुझे सिरसा विधानसभा से लोकसभा चुनावों में 41,000 वोटों से विजयी करवाया था, अब सिरसा की जनता से अपील है कि उसमें शगुन और मिला करके उसे 51,000 वोटों की जीत दिलवाएं। कि आप अपने अपने बूथ पर डटे रहेंगे और अपने आप को प्रदीप समझकर काम करेंगे। आप लोगों ने जो 41,000 का आंकड़ा लोकसभा में पार किया है, उसके अंदर आप कम से कम ज्यादा नहीं ना तो 10,000 और ऐड करके 51,000 का शगुन हमारे भाई प्रदीप रातुसरिया की झोली में डालने का काम करो। इंडियन नेशनल अकाली दल भी उन्हीं का हिसाब से समर्थन से था, सहयोग ऐसा बना उन पांच में से। आज जब सब सिस्टम बिखर गया, तीन तो भाई अपने पास आके खड़े हो गए, चाहे उसमें मक्खन लाल जी हैं, चाहे हमारे रामचंद्र कंबोज हैं, और चाहे वो कालावाली से बलकौर सिंह जी, बाकी बचे दो का से बढ़ता नहीं, एक बन गया जेजेपी, एक हो गया आयरलैंड। जेजेपी वाले ने सोचा हमारी दाल यहाँ गलेगी नहीं, जैसे रणछोड़ होता है ऐसे रणछोड़ बन करके यहाँ से कूद करके बाड़ा चले गए। पाकिस्तान से स्मगल होकर के पंजाब में आता, पंजाब से स्मगल होकर के हमारे हरियाणा में घुसता। हमारे कुछ अपने लोग भी कभी कभी उसमें फंस जाते हैं। एक नेता हमारा फंस गया, हमको लगता था बहुत अच्छा नेता है, शायद धीरे धीरे उसको आगे बढ़ा करके हम बहुत आगे ले जाएंगे, लेकिन संयोग ऐसा हुआ कुछ महीने पहले हमें पता लगा कि हमारा नेता इन कामों में फंसा हुआ है। आखिर हमको लगा कि इसको दूर रखना चाहिए, हमने दूर किया। दूर क्या किया, प्रमाण मिल गया अभी दो दिन पहले उसके गांव के अंदर गोलियां चल गई नशे के कारण से। आप समझ गए होंगे कौन देसु जोधा। एक प्रत्याशी तो ऐसी है, वो ऐसे प्रत्याशी है सिरसा से कि जेल मंत्री हुए और जेल मंत्री के पद से उतरे तो खुद जेल की हवा खाने चले। आज वो प्रत्याशी बन के यहाँ हिम्मत जुटा रहे हैं कि मैं विधायक बनूंगा। कुछ तो विचार करना चाहिए हमारे सिरसा विधानसभा के लोगों को कि इस प्रकार के चरित्र के आदमी को हम आगे नहीं लाएंगे। और एक दूसरा ऐसा जिसको तब तक हम अपना समझते थे, लेकिन जब कभी उसका व्यवहार देखते थे, अनुशासनहीनता देखते थे, जिस प्रकार का व्यवहार जो अपने घर का नहीं हुआ, हमको भी आंखें दिखाता था। हमने कहा कि तुम बच्चे हो, नजदीक करो, थोड़ा ठीक रहो, आगे चल करके बड़ी लंबी दौड़ है, इसके अंदर शामिल हो जाओगे तो आगे बढ़ोगे। आज ही जल्दी पड़ी हुई है, मैं जल्दी विधायक बनूंगा। विधायक बनने के लिए आगे निकल पड़ा,
और मैंने तो उनके माता पिता से, क्योंकि पिछली बार उनके माता जी को हमने चुनाव लड़ाया, मैंने कभी समझाओ बेटे को, वो कहते जी क्या करें हमारी बात नहीं मानता। अब वो पता नहीं बाप की और माँ की बात मानता कि नहीं मानता, प्रभु करे कि उनके पिताजी की आयु लंबी हो, दुर्भाग्य से पिछले दिनों में कष्ट में आ गए। लेकिन हमारा कहना है कि ऐसा आदमी भी आगे चल करके आपका कोई भला नहीं करने वाला है। ये अनुशासनहीनता चाहे घर में हो, चाहे पार्टी में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे जनता में हो, इसको भी नकारना चाहिए। जो एक स्वच्छ शासन बनेगा, उस स्वच्छ शासन में आप लोगों के भी, सिर्फ संविधान सभा की भी भागीदारी हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को सत्ता के माध्यम से जो समाज का भला कराना है, वो हमारे इस नौजवान वीर प्रदीप राजकुशल जय के माध्यम से कराए। और ये जो पुस्तक नष्ट हमारा टारगेट है,